the Jews! Hail the Jews! Hail the goddamn Jews! हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप इनटेक 2021 के बारे में, जिसके लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बताऊंगा आपको एज लिमिट के बारे में, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा एडवर्टाइजमेंट डेट क्या रह सकती है इसके बारे में। तो अगर आपका भी ये डाउट है तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एयरफोर्स की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट को पहले मैं दिखा देता हूं क्या रह सकती है और किसके आधार पे मैं बोल रहा हूं, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दिखा देता हूं कि क्या रह सकती है एज लिमिट। तो देखिए, ये आपके सामने है जुलाई 2000 से लेकर के जुलाई 2004 तक, यानी जुलाई 2000 से लेकर के जुलाई 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ रह सकती है एक्स वाई ग्रुप की इनटेक 2021 बैच के लिए। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके लिए आपको ले चलता हूं पिछले नोटिफिकेशन के पेज पे और वहां पे दिखाता हूं आपको। तो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पलेट है जो कि हमेशा जारी होता है और इसमें बताया जाता है कि कब तक वैकेंसी आपकी आ रही है। इस बार देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये पिछली बार देखने को मिला था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत पहले आ गया था, लेकिन जो न्यूज़पेपर या फिर ऐसा बोले कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 22 जून को एडवर्टाइजमेंट छपी थी और उस दिन आप लोगों ने पीडीएफ भी डाउनलोड करके देखा था। तो ये चीज़ है, आप लोग क्लियर देख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो एज लिमिट है वो। तो देखिए, यहाँ पे 19 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2003 के बीच में ये जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सभी के लिए ये एलिजिबिलिटी थी। तो इसी को देखते हुए अगर बात करें तो जुलाई 2000 से एक साल तो वैसे ही ले सकते हैं, क्योंकि ये इनटेक 2020 के लिए थी। तो जुलाई 2000 से लेकर के जुलाई 2004 के बीच में इसी को लेकर के, इसी को मान करके मैं बता रहा हूं आप लोगों को। साथ ही साथ दोस्तों, एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वाई ग्रुप की, तो आपके लिए मैंने 15 प्रैक्टिस सेट्स की एक ईबुक तैयार की है, कल ही लॉन्च किया मैंने। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो जाकर के जरूर ले लेना। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कब तक नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है इसके लिए। तो गाइस, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार 22 जून को ये जो नोटिफिकेशन या फिर ऐसा बोले कि एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में साथ ही साथ आप लोगों को भी मिल गई थी और आप लोगों ने डाउनलोड करके देख भी ली थी, और साथ ही साथ 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में इसके लिए आवेदन किया गया था, यानी आप लोगों ने अप्लाई किया था। अगर आपको याद हो तो जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ऑनलाइन अप्लाई किया था कैंडिडेट्स ने पिछली वैकेंसी के लिए जो इसी इनटेक के लिए थी, यानी जो सेम इनटेक के बारे में बात कर रहा हूं, 2021 के बारे में, तो वो थी 2020 की इंटेक, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये चीज थी। तो अभी मुझे जैसा लग रहा है कि जून के लास्ट वीक ऑफ जून में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसी टेम्पलेट आ जाए और उसके लिए जो डेट्स हैं वो जुलाई में बताई जाए, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट है वहीं आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा वेट करना है आपको और जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, या फिर डिले करेंगे तो वो करेंगे क्योंकि एग्जाम नहीं लिया है पिछली इनटेक के लिए। तो देखते हैं, जो भी होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी आपका कंफ्यूजन था तो वो दूर कर दिया मैंने। अगर आपकी एज लिमिट ये है, आपकी जो एज है वो इसके बीच में है, तो आप बिल्कुल इलिजिबल हो। और साथ ही साथ जो एज होगी, यानी जो एग्जैक्ट डेट होगी, वो इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये जो 19 जुलाई दिया गया है ना, इसमें ही कंफ्यूजन होता है, कभी आगे का भी आ जाता है आपके सामने। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे ही कुछ होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो में यही बताना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज़।